यहाँ पे एक स्कल्पचर, और स्कल्पचर के एग्जैक्ट पीछे, एग्जैक्ट अगर हम पीछे जाएंगे तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा पूरा बीच का नज़ारा। सो गुड मॉर्निंग एवरी वन, एंड टुडे इज डे टू और आज नया साल है, सो हैप्पी न्यू ईयर टू एवरी वन फर्स्ट। हम अभी सुबह में सबसे पहले जाएंगे ब्रेकफास्ट करने के लिए, विल हैव सम ब्रेकफास्ट एंड उसके बाद हम पूरा जो डे है उसका प्लानिंग करेंगे। आज हम कुछ नए नए जो स्पॉट्स है उसको देखने के लिए जाएंगे और उसके बाद कुछ फेमस बीच जो है उसका नज़ारा भी लेंगे और आज बहुत सारे ड्रोन शॉट्स मिलने वाले। Some bananas if you want to. और सर क्या है अपने पास? तो अपने पास है पूरी और है भाजी और ये है अपने पास पैनकेक और टी और कॉफी है। और अभी हमारे पास है ये सीरियल्स और जैम, बटर, ब्रेड एंड पैनकेक। थोड़ा बहुत इन लोग शुगर का इंटेक करना ज़रूरी है, तो ये सब पूरा खाएंगे और फिर हम आप लोगों को मिलेंगे। सी वी हैव थ्री थिंग्स, गुड, बेटर और बेस्ट। सो सिलेक्ट फ्रॉम वन, गुड, बेटर और बेस्ट। नहीं, वर्स्ट इज वर्स्ट। वर्स्ट की कोई कैटेगरी नहीं होती, एक गुड की कैटेगरी। हाँ तो मतलब बेटर भी नहीं, गुड। सो अभी ये जो दूसरा दिन है उसमें हम ब्रेकफास्ट करने के बाद रेडी हो चुके हैं। एक्चुअली मैं प्लान तो 10 बजे का था लेकिन 11:30 बज चुके हैं और हम जाने वाले हैं हमारे पहले पॉइंट पे जो है टेम्पलर्स व्यू पॉइंट। तो अराउंड अराउंड अभी होने वाला है 30 मिनट पहुँचने के लिए और फिर पहुँचने के बाद हम आपको वहाँ पर मिलते हैं। उसका नाम है रॉक गार्डन और आप ये रॉक गार्डन का जो नज़ारा है वो आप पास से आप देख सकते हो बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत ही प्यारा नज़ारा है। अभी अंदर हम जाएंगे और अंदर जाकर पूरा एक्सप्लोर करेंगे इसको, पूरा रॉक गार्डन को एक्सप्लोर करेंगे। बहुत ही प्यारा लग रहा है। रॉक गार्डन के अंदर और जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे पूरा जो नज़ारा है। ये जो है वो फिशरमैन है और फिशरमैन जो है वो पूरा अपने पूरा फैमिली के साथ उसका जो रॉक की शेप बना है पूरा रॉक से, बहुत ही प्यारा दिखता है। और ये जो रॉक है उसके एग्जैक्ट पीछे जो अगर आप देखोगे तो पूरा दरिया है, तो बहुत ही प्यारा। ये पूरा इनका जो ट्राइबल कल्चर है वो बहुत ही अच्छी तरीके से पोर्ट्रेट किया है।
ये छोटा सा फोटोशूट था जो हमने यहाँ पे फिनिश कर दिया। तो ये जो बीच है वो है बेनोलिम बीच, और लाइक यू नो बहुत ही ज़बरदस्त वाला ये बीच है, बिकॉज़ इसका जो सैंड है वो वाइट है, और ये कोलवा से अराउंड 10 किलोमीटर्स के अंदर ही है। तो बहुत ही प्यारा बीच है, आप उसका नज़ारा देख सकते हो, और ब्यूटीफुल सनसेट जो है आप उसको देख सकते हो।